फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे विटामिन से भरपूर पुई साग की सब्जी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हम इसे पुई साग कहते हैं, हो सकता है आप इसे किसी और नाम से जानते हो। तो पुई साग को मैंने पहले अच्छे से धो लिया है अक्खा बाजार से लाने के बाद। तो चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। सबसे पहले एक एक करके ये जो जितना भी खराब पत्तियां है हमें इसे फेंक देना है या अलग कर देना है। इस तरह से इसे चुन चुन के हम जितने भी खराब पत्ता है उसे फेंकना है। इसके बाद हम इसे इस तरह से डंडियों को काट के अलग करेंगे। अगर डंडियां मोटा है तो आप बीच में से इस तरह से चीरा लगा लीजिए, लेकिन जो मैंने लिया है ये बहुत ही नरम है तो इसे चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम पत्तियों को इस तरह से काट लेंगे और डंडियों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काटेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे साग को इस तरह से काट लिया है। डंडियों को मैंने अलग रखा है और पत्तों को अलग रखा है। इसी के साथ हम लेंगे कुछ सब्जियां, जैसे कि आलू, भोपला, गार्डनर, बैंगन, परवल और गाजर। मैंने सब्जियों को इस तरह से काटा है। आप चाहे तो अपने मनपसंद के हिसाब से भी काट सकते हो और अपने मनपसंद सब्जियां ऐड भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसे बनाएंगे। आज हम बनाएंगे एकदम देसी अंदाज में, यानी भगोना में। तो मैंने यहाँ पर एक भगोना ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच राई का तेल या मस्टर्ड ऑयल, और ऑयल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 5 फोरन। अगर आपको 5 फोरन पता नहीं है तो आप इसमें जीरा या सौंफ भी डाल सकते हो। फिर हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ती, 1 सूखा मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी, और यहाँ पर मैंने 10 से 12 लहसुन को इसमें कूट लिया है। लहसुन को डाल देंगे और लहसुन को हम कलर चेंज होने तक भूनेंगे। तो लहसुन का कलर चेंज हो गया है। 3-4 हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। अभी हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जियों को मैंने पहले धो के रखा था। सारे सब्जियां हम इसमें डाल देंगे और बैंगन और गार्डनर को हम बाद में डालेंगे, क्योंकि ये गलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब हम इसमें साग के डंडियों को भी डाल देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। गैस को लो फ्लेम में रख के हमें मसाला को अच्छे से सब्जियों के साथ में मिला लेना है। इसमें हम थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे। थोड़ी सी पानी ऐड करने से हमारा जो मसाला है वो जलेगा नहीं। तो हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे ढक के 5 मिनट लो फ्लेम में पकाएंगे या पकने देंगे। 5 मिनट हो गया है, ढक्कन को हटाएंगे और फिर से एक बार इसे मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें 12 से 15 प्रॉन्स या झींगा मच्छी ऐड करेंगे। अगर आप झींगा मच्छी या प्रॉन्स ऐड नहीं करना चाहते हो तो भी बहुत अच्छा लगेगा खाने में, मगर एक बार आप इस तरह से ट्राई करके देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, गारंटी से कह रही हूँ। इसे भी हमें मिला लेना है। तो हमने इसे मिला लिया है। अब हम इसमें ये बैंगन और गार्डनर डाल देंगे, साथ ही साथ हम साग को भी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा साग डालें और मिलाते जाए, जैसे ही साग कम हो फिर बाकी का साग भी डाल दे और इसके साथ में इस तरह से अच्छे से मिला ले। साग मिलाते समय गैस को हमें हाई फ्लेम में रखना है। फ्रेंड्स, अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। इसके बाद हम इसे ढक के लो मीडियम फ्लेम में 5 मिनट और पकने देंगे। 5 मिनट हो गया है, ढक्कन को हटाएंगे, ये देखिए, और एक बार मिला लेंगे इसे।
इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी एक चम्मच राई का पेस्ट। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर ऐड करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो, मगर ये डालने से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और इसे भी हम मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अगर इस रेसिपी को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर और हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर, क्वार्टर चम्मच शुगर, ऑप्शनल है, अगर आपको लगे तो आप डालें, नहीं लगे तो मत डालिए। अच्छे से मिला लेंगे। ज़रूरी नहीं है जो जो सब्जियां मैंने ऐड किया है आप भी वही डालें, आपका मनपसंद सब्जी भी इसमें ऐड कर सकते हो, इसमें मीठा आलू या अरबी भी ऐड कर सकते हो। 2 मिनट के बाद फिर से एक बार मिला लेना है। ये साग खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये साग बनाते कैसे हैं, इसीलिए मैंने इस रेसिपी को डाला। फिर से हम इसे 2 मिनट ढक के पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सब्जी बनके तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और ढक के हम इसी में ही रखेंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। इस साग को बंगाली में सागों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इस साग खाने का फायदा बहुत होते हैं। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय बाय।